क्लास में हम लोगों ने एट क्लास हिस्ट्री के चैप्टर स्टार्ट किया था हाउ एन एंड वेयर, ठीक है, जिसमें हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। इसके अंदर हम लोगों ने बात किया था, बात कही थी कि पहला जो हमने सोर्स ऑफ हिस्ट्री देखा था वो देखा था एडमिनिस्ट्रेशन रिकॉर्ड्स, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन रिकॉर्ड्स से हमें किस तरीके से पता चलता है इसके बारे में, हिस्ट्री के बारे में। दूसरा जो है हमारा था वो है सर्वेज, आपको लास्ट क्लास में बताया कि सर्वे भी एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं क्या करने में, हिस्ट्री को पता करने में, क्लियर है, सोर्स ऑफ हिस्ट्री में, क्लियर है। तो सर्वे बिकेम एन इंपॉर्टेंट, कैसे देखिएगा, अनदर इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रीडिंग द हिस्ट्री वाज सर्वे, यानी कि दूसरा जो सोर्स है हिस्ट्री लिखने के लिए वो क्या है, सर्वे। तो सबसे पहले आपको सर्वे समझना है, सर्वे होता क्या है, सर्वे क्या होता है, किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया में पर्टिकुलर जगह में एक किसी भी चीज के बारे में एग्जामिन करना, उसके बारे में एनालिसिस करना, उसके बारे में रिकॉर्ड्स इकट्ठे करना। जैसे कि मैं अगर आपसे कहूं कि आपको अपने स्कूल के अंदर पता करना है किस बच्चे को कौन सी चॉकलेट पसंद है, तो आप क्या करेंगे, आप यही करेंगे, हर बच्चे के पास जाएंगे, उससे पूछेंगे कि आपको कौन सी चॉकलेट पसंद है और उसके बारे में लिखेंगे, डिटेल इकट्ठे करेंगे, ठीक है। तो ये चीज हमारी क्या होती है, सर्वे होती है, क्लियर। तो सर्वे क्या होता है, रिकॉर्डिंग द एग्जामिनिंग ऑफ द पर्टिकुलर एरिया, किसी पर्टिकुलर एरिया को क्या करना, एग्जामिन करना और उसका रिकॉर्ड इकट्ठा करना, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, सब्जेक्ट का मतलब यहाँ पे हिंदी इंग्लिश मैथ से नहीं है, सब्जेक्ट्स का रिलेटेड मतलब है, यहाँ से जिस चीज के बारे में हम लोग पता करना है, जैसे मैं चॉकलेट के बारे में पता करना, तो चॉकलेट से रिलेटेड, चॉकलेट मेरा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, क्लियर है। तो किसी भी सब्जेक्ट को लेकर उसके रिकॉर्ड इकट्ठे करना और उसको एग्जामिन करना किसी पर्टिकुलर एरिया में, क्लियर है, ये क्या कहलाता है हमारा, सर्वे, क्लियर है। आज देखते हैं, ब्रिटिश बिलीव्ड दैट अ कंट्री हैड बी प्रॉपर्ली नोन एज बिफोर इट कुड बी इफेक्टिवली एडमिनिस्ट्रेटिव, यानी कि ब्रिटिशरों का ये मानना था कि अगर आपको किसी भी जगह पर वो अच्छी तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन करना है, अगर किसी भी जगह पर अगर आपको अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन करना है, तो सबसे पहले आपको उस जगह को प्रॉपरली तरीके से क्या करना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, प्रॉपरली क्या करना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। तो देखिएगा, ब्रिटिश बिलीव दैट ए कंट्री हैड टू बी प्रॉपरली नोन बिफोर इट कुड बी इफेक्टिवली एडमिनिस्ट्रेटिव, समझने की बात यहाँ पर यह है, कहने का मतलब क्या था कि अगर आप किसी भी, आप देखिए आप किसी सिटी में जा रहे हैं, ठीक है, और अगर आप उस सिटी में खोए नहीं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको उस सिटी को अच्छे से जानना पड़ेगा। तो यही सोच किसकी थी, ब्रिटिशर्स की थी, कि ब्रिटिशर्स का सोचना यह था कि अगर आपको किसी जगह पर प्रशासन करना है, कहीं पर आपको एडमिनिस्ट्रेशन करना है, तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उस सिटी के बारे में, उस जगह के बारे में जानना पड़ेगा कि वो जगह कैसी है, वहां के लोग कैसे हैं, वहां के लोग किस कल्चर को फॉलो करते हैं, वहां के लोग क्या मानता रखते हैं, ये सारी चीजें आपको क्या करनी पड़ेगी, जाननी पड़ेगी। तो ब्रिटिश बिलीव दैट ए कंट्री हैड बी प्रॉपर्ली नोन, हमें क्या करना पड़ेगा, कंट्री को अच्छे से पहले जानना पड़ेगा, क्या करने से पहले, बिफोर इट कुड बी इफेक्टिवली एडमिनिस्ट्रेटिव, क्लियर है, उसको एडमिनिस्ट्रेशन चलाने से पहले, क्लियर है ना। आगे करते हैं, इसके लिए इनको क्या करना पड़ेगा, जानने के लिए क्या करेंगे, डिटेल सर्वे करेंगे, क्या करेंगे, डिटेल सर्वे करेंगे, डिटेल सर्वे कैरिड आउट, जानने के लिए क्या करेंगे, उस जगह का डिटेल सर्वे करेंगे। अब डिटेल सर्वे किस किस चीज से रिलेटेड हो सकते हैं, डिटेल सर्वे रिवेन्यू से रिलेटेड हो सकते हैं, कि कहां से कितना टैक्स मिल रहा है, कितना टैक्स नहीं मिल रहा है, किस चीज से कितना टैक्स मिलता है, तो इन सारी चीजों से रिलेटेड क्या हो सकता है, सर्वे हो सकता है। सर्वे टू नो द टोपोग्राफी, यानी कि उस जगह से रिलेटेड, टोपोग्राफी से रिलेटेड सर्वे कर सकते हैं। टोपोग्राफी क्या होता है, टोपोग्राफी होता है कि जो हमारी जो लैंड्स है वो किस तरीके की है, वहां प्लेट्यूज है, माउंटेन्स है, क्या है, क्लियर है, तो उससे रिलेटेड जो भी सर्वेस होते हैं, जैसे कि मैं एग्जांपल दूं आपको बेटा, जैसे कि माउंट एवरेस्ट को ये बताया जाता है सबसे ऊंची चोटी है, तो ये कब पता चला हुआ हमने, जब हम लोगों ने सर्वे किया हुआ, जब हम लोगों ने देखा गया हुआ कि इस माउंटेन की इतनी हाइट है और ये बाकी के माउंटेन्स की ये हाइट है, तो ये क्या है, इससे सबसे ज्यादा है, ये तो नहीं पता हमने क्या किया हुआ, सर्वे किया हुआ सारे माउंटेन्स का। तो इन्होंने कहा कि तो ये रिव्यू से रिलेटेड क्या करते थे, सर्वे करते थे, सर्वे किससे रिलेटेड, टोपोग्राफी से रिलेटेड, सॉइल क्वालिटी से रिलेटेड, क्लियर है, एंड द फ्लोरा, फ्लोरा होता है पेड़ पौधे वगैरह, क्लियर है, उनसे रिलेटेड कौन कौन फॉरेस्ट के अंदर कौन कौन से पेड़ हैं, कौन कौन से नहीं है, फौना कौन कौन से एनिमल्स अवेलेबल हैं, है ना, एंड द लोकल हिस्ट्री एंड द क्रॉपिंग पैटर्न वर कैरिड आउट, और यहाँ पर इस पर्टिकुलर एरिया में कौन सा क्रॉपिंग पैटर्न चलता है, कौन कौन सी क्रॉप की जाती है, इन सब चीजों से रिलेटेड क्या किए जाते हैं, सर्वे किए जाते हैं, क्लियर है। एक और सर्वे होता था जिसको क्या बोला जाता है, सेंसस बोला जाता है, सेंसस ऑपरेशंस, सेंसर ऑपरेशन क्या होता है समझिएगा, सेंसर ऑपरेशन मतलब होता है जनगणना करना, जनगणना आप लोगों ने देखा होगा जो हर 10 साल के बाद की जाती है, तो सेंसस ऑपरेशन बिगेन टू बी हेल्ड आफ्टर द 10 इयर्स, क्या होना स्टार्ट हो गए थे, सर्वे ऑपरेशन होना स्टार्ट हो गए थे, और
सेंसस का होता है हर 10 साल के बाद, जैसे कि 2001 में हुआ था, फिर 2011 में हुआ, अब कब होगा 2021 में, क्लियर है। तो ये क्या होगा हमारा सेंसस ऑपरेशन होगी। सेंसस में हम लोग क्या करते हैं, प्रोड्यूस अ रिकॉर्ड्स ऑफ द पीपल, के लोगों का रिकॉर्ड रिकॉर्ड्स हम लोग बनाते हैं, सच एज अ नंबर कास्ट एंड रिलीजन एंड ऑक्यूपेशन, के नंबर ऑफ पीपल्स कितने हैं हमारे देश के अंदर, वो किस कास्ट से बिलोंग करते हैं, कौन से रिलीजन से बिलोंग करते हैं, और वो क्या क्या काम करते हैं, ये सारी चीजें हमारे इसमें सेंसस में पूछी जाती है। अगर आप लोगों ने कभी देखा हो तो जो जनगणना करने वाले जो लोग आते हैं, सेंसस करने वाले जो लोग आते हैं, वो इन सारे क्वेश्चंस को आपसे पूछते हैं कि आप किस कास्ट से बिलोंग करते हैं, आप किस रिलीजन से बिलोंग करते हैं, या आप क्या ऑक्यूपेशन करते हैं। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि किसी देश के अंदर किस कास्ट के ज्यादा लोग हैं, किस रिलीजन के ज्यादा लोग हैं, और किस ऑक्यूपेशन को करने वाले लोग हैं। ये सारे क्या होते थे, इन सबसे हमें क्या मिलती है, जानकारी मिलती है वहां के उस वक्त सोसाइटी कैसी थी, क्लियर है। इसके अलावा कुछ और सर्वेस भी होते हैं, जैसे कि देर आर मेनी अदर सर्वेस, इसके अलावा और सर्वेस भी होते हैं, किस किस चीज से रिलेटेड होते हैं, बॉटनिकल, बॉटनिकल माने क्या होता है, पेड़ पौधों से रिलेटेड जो भी होते हैं सर्वे होते हैं उनको बॉटनिकल सर्वेस बोला जाता है। जूलॉजिकल सर्वे, जूलॉजिकल सर्वे होता है जो एनिमल्स वगैरह से रिलेटेड जो भी सर्वेस होते हैं उनको जूलॉजिकल सर्वेस बोला जाता है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे, आर्कियोलॉजिकल सर्वे होता है जो मॉन्यूमेंट्स वगैरह होते हैं, जो भी हिस्ट्री में जो बिल्डिंग्स वगैरह हैं उनसे रिलेटेड जो भी सर्वे होते हैं उनको आर्कियोलॉजिकल सर्वे बोलते हैं। इसके अलावा होता है एंथ्रोलॉजिकल सर्वे, एंथ्रोलॉजिकल भी सर्वे भी उसी हिस्ट्री से रिलेटेड होते हैं, क्लियर है। एंड फॉरेस्ट सर्वे, और फॉरेस्ट रिलेटेड सर्वे होते हैं। तो सर्वे का भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, क्या करने में, सोर्स ऑफ हिस्ट्री में। सर्वे से हमें क्या पता चलता है कि उस समय पे सोसाइटी कैसी थी, उस समय पे एनिमल्स कितने थे, उस समय पे लोग क्या सोचते थे, इन सारी चीजों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो ये सब हमें क्या है, ये सब क्या है हमारा सोर्स ऑफ हिस्ट्री। तो सोर्स ऑफ हिस्ट्री में हमने दो हमने सोर्स जाने, एक हमने एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स यानी कि ब्रिटिशर्स के द्वारा जो दिया हुआ रिकॉर्ड्स होता है, दूसरा जो ब्रिटिशर्स के द्वारा जो सर्वे किए गए उनसे हमें जो जानकारी मिलती है, क्लियर। अच्छा क्वेश्चन ये आता है कि सर सिर्फ सर्वे और एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स सिर्फ इन्हीं से हमें हिस्ट्री के बारे में जानकारी मिलती है, कुछ और भी चीजें हैं जिनसे हमें हिस्ट्री के बारे में जानकारी मिलती है, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे कि और क्या क्या चीजें जिनसे हमें हिस्ट्री के बारे में पता चलता है।